The Daily Show with Munir Memon. बात कर लेते हैं केपी के मरदान की सूरत हाल है। ज़मीनी इंतखाबात का एक बड़ा मार्का केपी के में होने जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हालांकि कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ के जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको टॉपल किया जाए, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि खान साहब की वज़ीर आज़म हाउस से रुख्सती हुई, जैसे रद्द अमल आया, अवामी रद्द अमल के आते ही तहरीक इंसाफ केपी के में मुस्तहकम हुई और जो खदशात थे केपी के में कि खान साहब की अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार हो सकती है, लेकिन वो जो मकबूलियत देखी गई जिस तरीके से लोग निकले सड़कों पे, उसके बाद केपी के में खान साहब ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया। एक बार फिर से ये इंतखाबी मार्का सजने को जा रहा है और इस हवाले से हम जानते हैं कि आखिर वहाँ पर ग्राउंड पर क्या होता दिखाई दे रहा है। अखुनज़ादा फजल हक साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ज़रा इनसे जानते हैं कि जो मरदान में NA 22 पे जो इंतखाबी मार्का है उस पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है और दीगर वहाँ पे जो अतराफ में जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, जो वहाँ पे इंतखाबी अमल हो रहा है उसमें क्या होने जा रहा है। फजल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जरा ग्राउंड रियलिटी से आगाह करें, इस वक्त KPK में क्या हो रहा है, इंतखाबी अमल कैसा हो रहा है, ज़मीनी इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, 16 अक्टूबर एक वक्त के दिन जिले इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये हल्का सादिक वफाकी वजीर मुमलिकत हलीमा मासान की इस्तीफा के बाद खाली हुआ था। NA 22 पर जिले इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों के हक की फेहरिस्त भी जारी कर दी है और एक उम्मीदवार समेत 4 उम्मीदवार मैदान में रह चुके हैं। सादिक वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और PDN के मुश्तरक उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासम, जमात इस्लामी पाकिस्तान के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी और एक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सरवर जो है ना मैदान में है। उम्मीदवारों को निशानात भी इलाज किए गए हैं और PDN के चेयरमैन इमरान खान को बैग, जबकि PDN के जमात का मुश्तरक उम्मीदवार मौलाना कासम को किताब, जमात इस्लामी के अब्दुल वासी को तराजू और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सरवर को एक्टिवेटर का निशान इलाज कर दिया गया है। तो अब वहाँ पे क्या सूरत हाल क्या है फजल साहब? खान साहब वहाँ पे मैदान पे कंटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि तमाम ही ज़मीनी इंतखाबात की सीट पे खान साहब खुद कंटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले बताएं कि क्या पोजीशन है तहरीक इंसाफ की वहाँ पे? तहरीक इंसाफ की पोजीशन के हवाले से आपको आगाज करता चलूँ तो अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन की सरगर्मियाँ बिल्कुल न होने की बराबर थी। परसों इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही मुनक़द करने का ऐलान के बाद कल इमरान खान का यहाँ मरदान के तहसील तकबई में एक अजीम शान जलसा मुनक़द हुआ था और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है ना जनमनों ने शिरकत की थी और बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है और असल जो खान के का मुकाबला है। तो फिर इमरान खान के जलसे के बाद की PDN की पोजीशन है ना वो काफ़ी मुस्तकम दिखाई नजर आ रही है। तब तक आपको PDM के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासम के हवाले से भी आगाह करता चलूँ तो कुछ दिन पहले PDM की जानब से भी एक अजीम शान जलसा जो है ना मुनक़द हुआ था और इसमें भी काफ़ी लोगों ने अपनी तादाद में शिरकत की थी। तो असल जो NA 22 पर मारका है, कांटे का मुकाबला है और PDM के मुश्तरक उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासम और पाकिस्तान के इनके साथ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया फजल हक साहब, आपने आगाह किया ज़मीनी हकाइक से और यकीन तौर पर KPK में ये जो इंतखाबी मामलात होते नज़र आ रहे हैं, खासतौर पर मरदान के हवाले से बात करें तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और देखने में ये भी आ रहा है कि 5-7-8 साल हो चुके हैं खान साहब की हुकूमत को, मकबूलियत जहाँ खान साहब ने माजी में कुछ खोई लेकिन हुकूमत से जाते ही खान साहब की मकबूलियत में जिस अंदाज से इजाफा देखा गया, वहाँ पर KPK में जो फिर बल्दियाती इंतखाबात के का जो राउंड 2 था उसमें भी KPK में तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की और उसके बाद आज ये जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, कहा तो यही गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हलकों से कि उन इलाकों के इस्तीफे मंजूर किए गए बाई डिज़ाइन के वहाँ पे जहाँ पे PDM के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद गालबन ज़्यादा हो या उनके जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा मकबूल हो तो कोशिश तो की गई, लेकिन खान साहब ने फिर से एक बात दोहरा दूँ
कि तमाम तर सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया उसके बाद सूरत हाल एकदम तब्दील हुई और उसके बाद अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ती नजर आएगी। इतवार को ये बड़ा इंतखाबी अमल अगर हो जाता है, मुकम्मल तो हो जाता है और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आती, तो यकीनी तौर पर पीर की जो सुबह होगी वो बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। अगर खान साहब या तहरीक इंसाफ इन तमाम तर इंतखाबी अमल में बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए एक और बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है, क्योंकि अगर मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट इन इंतखाबी अमल से में कामयाब नहीं हुई तो ये कहीं ना कहीं खान साहब के बयानी को मजीद कुवत बख्शेंगे, जबकि दूसरी एंड पे कोशिश की जाएगी कि खान साहब के बयानी को कमज़ोर साबित करने के लिए इस इंतखाबी अमल को भरपूर तौर पर जीता जाए। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर हो पाकिस्तान के आने वाले कल के लिए और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए होता हुआ नजर आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।